उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 50,000 के नामी खनन माफिया जफर को गिरफ्तार करने गई यूपी की मुरादाबाद पुलिस पर खनन माफिया साथियों ने फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं मुरादाबाद पुलिस के 5 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 2 जवान लापता बताए जा रहे हैं। 5 घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कुंडा थाने के सामने NH-74 पर जाम लगा दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दोनों राज्यों की पुलिस तैनात है। दरअसल खनन माफिया जफर 50,000 का इनामी है। बुधवार शाम करीब 4 बजे मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा थाना पुलिस और SOG टीम को उसके बारे में पता लगा तो उन्होंने जफर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग गया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन भागते भागते जफर ने अपने लोगों को फोन कर दिया और इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ यूपी पुलिस के जवानों की मुठभेड़ हो गई। पूरा मामला क्या है ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। खनन माफिया को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस और खनन माफिया तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई और इस बीच जफर जिसे पुलिस पकड़ने गई थी उसने अपने जवानों को अपने साथियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर गोली चली जिसमें ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा, जिसमें कई जो लोग हैं वो जख्मी भी हो गए हैं, कई जो पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी गायब हो गए हैं। अब तक क्या कुछ हुआ पूरे मामले में, उत्तराखंड के जसपुर में यूपी पुलिस पर ये फायरिंग हुई है, पूरा मामला क्या है ये आपको बारी बारी से समझा रहे हैं। मुरादाबाद से भागे खनन माफिया जफर को पुलिस पकड़ने गई थी, उसके बाद फायरिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। यूपी पुलिस पर दबिश के वक्त गोली मारने का आरोप फिलहाल लगाया गया है। जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है। फायरिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो अब तक इस मामले में ये हुआ है। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इधर नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब यह हंगामा हुआ किस तरीके से लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश भी की गई। सफर का आज आउट परसुएट किया गया, आज जो है सूचना मिली जब पुलिस टीम को यहाँ पर स्थानीय टीम को, तो इसको चेस किया गया और ये हमारे यानी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ गया और वहाँ पर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है घर में जाके इसने शरण ली। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुँची है तो वहाँ पर फोर्सफुली पुलिस टीम को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के उपरांत वहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मियों का कहना है कि वहाँ पर पहले बहुत ही गंभीर रूप से मारपीट की गई और जब पुलिसकर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरतीब फायरिंग भी की गई है। अभी शुरू में हमने बताया था कि 5 लोग इसके अंदर इंजर्ड है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की गोली लगी है। जो इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा है उनके बारे में भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गंभीर इंजरी है, बुलेट इंजरी संभवतः उनको भी हो सकती है पाँव के अंदर, और वो भी अपना इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। जफर जो है इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और बेसिकली जो है वहाँ पर जो टीम हमारी गई थी उसमें SOG की गाड़ी भी जो है वहाँ पर जलाई गई। जफर का आज आउट परसुएट किया गया, आज जो है सूचना मिली जब पुलिस की तरह जो हमारे पुलिसकर्मी निकले हैं, इसमें कुछ पुलिसकर्मी हमारे अभी भी मिसिंग है, साथ साथ 3 वेपन जो हैं हम लोग के अभी मिसिंग हैं। इस संबंध में हम लगातार उत्तराखंड पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो हमारे मिसिंग लोग हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जाए, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।